हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुड लाइफ। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पॉलो फ्रेरी और उनके आइडियाज़ को। फ्रेरी एक रिवॉल्यूशनरी एजुकेटर थे हु लेफ्ट एन इनडिलिबल मार्क ऑन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। पॉलो फ्रेरी एक ब्राजीलियन एजुकेटर, फिलॉसफर और सोशल जस्टिस के बहुत बड़े एडवोकेट थे। एजुकेशन की दुनिया में वह अपने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया के लिए जाने जाते हैं, जिसे कहते हैं क्रिटिकल पेडागॉजी। फ्रेरी के आइडियाज़ का एक बहुत बड़ा एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस पर। दुनिया भर के एजुकेटर्स ने अपने ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को डिस्कार्ड किया एंड ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेटरी एंड लिबरेटरी अप्रोचेस को क्लासरूम में फॉलो किया। उनके आइडियाज़ के बारे में जानने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं पॉलो फ्रेरी की लाइफ के बारे में, विच मेड हिम द पर्सन एज वी नो टुडे। फ्रेरी का जन्म रेसिफे, ब्राज़ील में 19 सितंबर 1921 को हुआ था। जब पॉलो फ्रेरी का जन्म हुआ, उस समय ब्राज़ील में लिटरेसी रेट था अराउंड 29%, मतलब 71% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इलिटरेट। उस समय का ब्राज़ील भी सोशियो इकोनॉमिकली काफ़ी पिछड़ा हुआ था। ब्राज़ीलियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटीज़ थी। इसके पीछे भी कई हिस्टोरिकल रीज़न थे। ब्राज़ील लंबे समय तक पुर्तगाल की कॉलोनी रहा था, 1500 से 1822 तक। 7 सितंबर 1822 को ब्राज़ील एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। ड्यूरिंग दिस टाइम स्लेवरी वाज आल्सो प्रीवेलेंट थ्रू आउट द ब्राज़ील। ह्यूमन स्लेवरी एंड हुई 1888 में ब्राज़ील में, मतलब वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कंसिस्टेंटली एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक। पॉलो फ्रेरी का जन्म तो एक खाती पीती मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, पर उनकी अर्ली लाइफ में उनकी फैमिली ने बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप देखी। 1930s के इकोनॉमिक रिसेशन के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई और उनका परिवार रेसिफे सिटी के बाहर आउटस्कर्ट में चला गया, मतलब कि स्लम्स में, जहां पर उनसे लोअर सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल के लोग रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने ब्राज़ीलियन सोसाइटी की इनइक्वालिटी को करीब से फेस किया, देखा कैसे लोग गरीबी में जी रहे हैं, कैसे उन्हें दो वक्त के खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। फ्रेरी कहा करते थे कि अपने अर्ली ईयर्स में वह कई बार भूखे ही सोते थे, कई बार तो उन्हें खाने के लिए खुद चोरी करनी पड़ी। 1934 तक आते आते फ्रेरी के पिताजी भी स्ट्रेस, पावर्टी, इन सब कारणों की वजह से जो हार्ट कंडीशन डेवलप हुई उससे गुजर गए। फ्रेरी का इंटरेस्ट एजुकेशन में तब डेवलप हुआ जब उन्होंने अपनी टीनेज में इम्पावरिस्ड कम्युनिटीज़ में एक लिटरेसी कोच का काम किया। उन्होंने फर्स्ट हैंड पावर्टी और इलिटरेसी को एक्सपीरियंस किया। इस एक्सपीरियंस ने उनके इस बिलीफ को भी शेप किया कि एजुकेशन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। फ्रेरी ने अपनी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ रेसिफे से लॉ में की, पर उसके बाद उन्होंने एजुकेशन की तरफ अपना फोकस बढ़ाया और 1959 में एजुकेशन में डॉक्टरेट कंप्लीट की। बाद में फ्रेरी ब्राज़ील के पर्नामबुको स्टेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर भी रहे। इस ड्यूरेशन में उन्होंने एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम चलाए, विच लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज ओन पेडागॉजिकल थ्योरीज। फ्रेरी का पॉवर्टी का एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेटर टीचर वाली प्रोफेशनल लाइफ और उनकी लॉ एंड फिलॉसफी में पढ़ाई, सभी ने उनके एजुकेशन और सोशल चेंज के पर्सपेक्टिव को डेवलप करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। ऑल दीज इन्फ्लुएंसेस लेड द फाउंडेशन फॉर हिज फ्यूचर ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज। उन आइडियाज को उन्होंने आर्टिकुलेट किया अपनी एक बहुत फेमस बुक में, जिसका नाम था पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ये पब्लिश हुई थी 1968 में। फ्रेरी की एजुकेशनल फिलॉसफी को अगर समराइज करें तो वह एजुकेशन के अंदर बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन को बहुत क्रिटिसाइज किया करते थे। अब बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन क्या है? जैसे हम एक खाली पड़े बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं इस होप में कि धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा हो जाए, राइट? उसी तरह बैंकिंग मॉडल एक स्टूडेंट को खाली बर्तन की तरह देखता है, जहां एक नॉलेजेबल टीचर नॉलेज को स्टूडेंट के खाली दिमाग में डिपॉजिट करता रहता है। फ्रेरी ने ही इसे बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन का नाम दिया। यहां अजम्पशन क्या है कि स्टूडेंट का दिमाग पूरी तरह खाली है, वो एक तरह से ब्लैंक स्लेट है और टीचर को सब मालूम है, वो बहुत नॉलेजेबल है। फ्रेरी का कहना था कि यह क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की बजाय स्टूडेंट्स में रोट मेमोराइजेशन को एनकरेज करता है। फ्रेरी की क्रिटिकल पेडागॉजी स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक डायलॉजिकल अप्रोच को एनकरेज करती थी, जहां टीचर ऐसी कंडीशन क्रिएट करे सो दैट एक फ्री फ्लोइंग डायलॉग हो टीचर और स्टूडेंट के बीच में। फ्रेरी का कहना था कि इस तरह के डेमोक्रेटिक क्लासरूम में ही स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाएगी, जो कि बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन के बिल्कुल अपोजिट है, और स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल कॉन्शियसनेस को प्रमोट करने की बात कहती है।
फ्रेरी एक्सप्लेन करते हैं कि एक टीचर है जो अपने आप को स्टूडेंट से कहीं ऊपर देखता है, कि वह नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है स्टूडेंट में, और कहीं ना कहीं यह फील करता है कि वह फॉलेबल नहीं है, मतलब फेल नहीं हो सकता, यानी टीचर को सब कुछ आता है। फ्रेरी कहते हैं कि शी यानी टीचर प्रटेंस टू बी द वन हु नोज एवरीथिंग व्हाइल द स्टूडेंट्स आर द वंस हु डू नॉट नो एनीथिंग। इस तरह का एक हायरार्किकल या पावर स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन को इमर्ज होने से रोकता है। इस पावर स्ट्रक्चर में टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को सस्पिशन से देखते हैं, एक इनसिक्योरिटी होती है दोनों के रिलेशन में, और टीचर हमेशा स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने की नीयत से देखता है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, एक्सेट्रा। सब कुछ टीचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फ्रेरी के अकॉर्डिंग यह क्लासरूम स्ट्रक्चर ऑप्रेसिव है, जहाँ टीचर एक ऑप्रेसर है और स्टूडेंट ऑप्रेस्ड। फ्रेरी तो यहाँ तक कहते हैं कि इस तरह की पढ़ाई तो कॉलोनाइजेशन के समान है, जहाँ कॉलोनाइजिंग कल्चर अपने आप को सुपीरियर मानता है, मतलब कि टीचर, और सोचता है कि कॉलोनाइज्ड कल्चर यानी कि स्टूडेंट को अपना कल्चर देखकर मैं उसका बेटरमेंट ही कर रहा हूँ। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड सभी ने किसी न किसी समय इंडिया को कॉलोनाइज किया और अपनी चीज़ें हमारे ऊपर थोपनी शुरू की धीरे धीरे। जो क्रिटिकल पैडागोजी फ्रेरी प्रपोज करते हैं वह टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को एनकरेज करती है, ना कि वर्टिकल टॉप डाउन, जहाँ स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक दूसरे से सीखने के लिए विलिंग हैं और अपनी लिमिटेशंस को समझते हैं। इस तरह के रिलेशन में कोई पावर स्ट्रक्चर नहीं है, सभी इक्वल हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्नॉलेज करते हैं कि उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपर्टीज है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है, और दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले सकते हैं। इसे फ्रेरी डायलॉजिकल एजुकेशन भी कहते हैं, जहाँ स्टूडेंट टीचर पैरेलल आपस में डायलॉग के थ्रू लर्न करते हैं। अब आप कहेंगे कि स्टूडेंट तो टीचर से सीखेगा, पर एक टीचर क्लास वन के स्टूडेंट से क्या ही सीखेगा। पर सोचिए, क्लास वन का स्टूडेंट एक सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी से आता है, उसके फैमिली और रेजिडेंशियल लोकेलिटी का अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, उसका क्वेश्चंस करने का तरीका, उसका वर्ल्ड व्यू भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, टीचर इन सभी से अपना टीचिंग स्टाइल कस्टमाइज कर सकता है। फ्रेरी की यह क्रिटिकल पैडागोजी एक तरह से डेमोक्रेटिक अप्रोच है एजुकेशन में। इन समरी, फ्रेरी की क्रिटिकल पैडागोजी किस बात पर एम्फेसाइज करती है? क्वेश्चनिंग सोसाइटल नॉर्म्स, फोस्टरिंग डायलॉग एंड चैलेंजिंग ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर्स विद इन एजुकेशन। इस पैडागोजी का एम या अल्टीमेट गोल क्या है? कि लर्नर्स को एम्पावर किया जाए सो दैट दे कैन क्रिटिकली एनालाइज द वर्ल्ड अराउंड देम एंड प्रमोट सोशल जस्टिस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन। एंड कैसे एक क्रिटिकल पैडागोजी क्लासरूम में इम्प्लीमेंट होगी? कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग के थ्रू, जहाँ स्टूडेंट और एजुकेटर्स दोनों एक साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट से काम करेंगे। फ्रेरी अप्रोच वैल्यूज डायलॉग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंसाइंटाइजेशन एज एसेंशियल एलिमेंट्स इन द परस्यूट ऑफ एजुकेशनल लिबरेशन एंड सोशल चेंज। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप लर्निंग। फिर मिलते हैं।